ये देखिए, ये मेरे 3 ठो कॉकरेल है। मुझे एक चूजा बेचने वाले ने उल्लू बना के टर्की का चूजा बोल के दिया था। अब थे भी बड़े अजीब, पूरे टकले थे, गर्दन वगैरह ठीक है, और बड़े हो गए ये लोग, कॉकरेल ही निकले। और वो जो है, वो मैंने 5 ठोक चूजे चंदू करके है उससे लिया था। ये डायरेक्ट जगदलपुर वाला है, उसके मतलब मुर्गी के अंडों से निकला था। 5 पीस है जिसमें कि एक बड़ा है, शायद 1 महीना बड़ा होगा, और बाकी 4 ठोक एक ही समय के। मैंने 5 ठोक एक साथ लाया था, 1 ठोक ठंड से मर गया था दब के, और बाकी सब हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं। 5 ठोक कड़कनाथ है और 3 ठोक कॉकरेल है। मैंने पहले सोचा था एक टर्कन चिकन करके ब्रीड होती है, वो है ये। मैंने बहुत सर्च वर्च किया तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसी वही होगी, पर ये नहीं थी, ये निकली कॉकरेल ही। मस्त, बहुत सुंदर सुंदर कलर थे लोग के, मतलब नेचुरल कलर थे, कुछ डुप्लीकेट कलर नहीं था। खैर, अब क्या कर सकते, है तो मस्त। अब इनसे मतलब जो कड़कनाथ है, इनको मैं बढ़ाऊंगा, इनके अंडे लूंगा और फार्म को आगे बढ़ाऊंगा, मतलब इनका काम जो है उसको आगे बढ़ाऊंगा इन्हीं के अंडों से। और हो सकता है थोड़े बहुत मैं चूजे और लेके आऊँ बढ़ाने के लिए अपना।